I love that system. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जलेबी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अब मैं आपको जलेबी बनाने की रेसिपी बताती हूँ। मैंने सबसे पहले इतने साइज का कप लिया। अगर आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों की क्वांटिटी को ज़्यादा करते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले इस कप के साइज़ के लिहाज से मैंने एक कप दलिया लिया, ये देखने के लिए। फिर मैंने एक कप चावल लिए। फिर मैंने आधा कप चने की दाल ली, इसमें आधा कप मैंने बाजरा ले लिया, आधा कप मैंने माश की दाल ली, इसमें आधा कप मैंने मूंग की दाल ली और आधा ही कप मैंने मसूर की दाल ली। अब मैं इनको अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को पानी में भिगो के रख दूंगी एक घंटे के लिए। ये टमाटर का पेस्ट, जिसमें हमने 2 से 3 टमाटर इसका पेस्ट बना लिया। ये हमने प्याज का पेस्ट बना लिया, ये भी 2 से 3 प्याज हैं छोटे साइज के, इसका भी हमने पेस्ट बना लिया। ये हमारे पास है हरा धनिया, ये अदरक, इसको हमने भीग भीग लंबा लंबा काट लिया। 2 लेमन चाहिए हमें, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, इसको हमने तवे पे भून के और ग्राइंड कर लिया। ये हमारे पास है जीरा, थोड़ा सा ये मोटी इलायची 2 हमने लेनी है, दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग हमें चाहिए। अब ये हमारी तमाम स्पाइसेस हैं, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हसबे जायका जितनी आपको उसकी ज़रूरत है, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कलमंजी और 1 चम्मच हमारे पास है पिसा हुआ धनिया। इसके साथ ही हमारे पास है कटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च और ये हमारे पास है पुदीने के पत्ते। अब मैं आपको इन सबको बनाने का तरीका बताती हूँ। अब हमने कढ़ाई में ऑयल डाला और इसको हमने गर्म कर लिया। अब मैं इसके अंदर ये सारे प्याज ऐड कर दूंगी और इसको मैं ब्राउन करूंगी। इस प्याज को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें चम्मच हलाते जाएंगे। अगर हम इसको चम्मच नहीं हलाएंगे तो ये प्याज जो होंगे वो मुरझा जाएंगे, हमें मुरझाए हुए नहीं क्रिस्पी प्याज चाहिए, इसलिए हम इसके साथ साथ चम्मच हलाते जाएंगे। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको एक ट्रे में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है हम साथ दूसरे फ्लेम पे क्या करेंगे, इसकी दालों को बना लेंगे। ये देखें ये दालें हैं, हमने ये प्रेशर में डाल ली हैं। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि ये दालें सारी अच्छी तरीके से भीग जाएं। देखें इसमें हमने पानी ऐड कर दिया। इतना पानी ऐड किया कि हमारी सारी दालें इसमें अच्छे से भीग जाएं और ये गल जाएं। जो हमारी स्पाइसेस थी, अब जो नमक हमने इसमें डाला था उसमें से हम आधा नमक इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमने इसमें जो भून के पीस के रखी हुई थी अपनी चीज़ें वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, धनिया और ज़ीरा। अब हमने प्रेशर को बंद कर देना है। जब इसका वेट हिल जाए तो वेट के हिलने के 10 मिनट बाद तक हमें इसको पकाना है। ये देखें हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लें। प्याज एक पेपर पे निकाल के ब्राउन इसी तरीके से इसको फैला दें। अब जो ये जो बाकी ऑयल बचा है इस ऑयल के अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको ब्राउन करेंगे। ये ब्राउन हो गया लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। चिकन को ऐड करते हैं।
हम अपने चिकन को अब इसमें लाइट का गोल्डन करेंगे। आप इसमें चिकन बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं और हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। इसमें हम लकड़ी का चम्मच यूज़ करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करते हैं। हमारा चिकन लाइट का गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें अपने तमाम स्पाइसेस डालना स्टार्ट करेंगे। गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे। मटर पेस्ट, और हम इसमें अपने तमाम स्पाइस ऐड करते हैं। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर अभी हमारा चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें, इसकी बोटियाँ बिल्कुल नरम हो गई हैं, क्योंकि हम ये अपने मुट्ठ के चम्मच से भी अलग कर सकते हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके का ही चिकन चाहिए। अब चिकन भी बन चुका हुआ है और दूसरी साइड पे जो हमने अपनी दालें रखी हुई थी वो भी कंप्लीट रेडी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मिक्स करेंगे आपस में। जब हम इनको मिक्स करेंगे तो हम इनके इसके अंदर खाने का रंग भी डालेंगे। ये देखेंगे, थोड़ा सा हमारे पास फूड कलर है, इतना सा हमने लेना है इसको चुटकी भर बराबर, और हमने इसमें इसको शामिल कर देना है पानी में इसको मिक्स करके। ये देखो, हमने इसको पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और हम इसको दालों में ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारी दालें वाइट वाइट हैं ये वाइट वाइट नज़र ना आए, इनका कलर थोड़ा चेंज हो। ये मेरे पास है मैदे का पानी। अब हमने इसमें 2 चम्मच मैदा लिया, ये तकरीबन इतना स्पून है, हमने 2 चम्मच लिया। इसको पानी में हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मैदे का ये फ़ायदा है कि ये जो आपकी दलीम है इसका क्या, इसमें पूरा बाज़ार जैसी आपकी लुक आ जाएगी। जिसमें बाज़ारों में दलीम मिलती है ये वैसी ही बिल्कुल बन जाएगी मैदे से। अब ये मैदा हम चिकन में ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि मैदे का जायका भी ना आए कच्चे कच्चे का। ये हमारे अब जो मैदा हमने डाला था इसकी ग्रेवी सी बन चुकी है। देखें, तो इसको मिक्स करके देखें इस टाइप की ये फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसमें अपनी सारी दालों को ऐड कर देंगे। सारी दालें ऐड कर दें। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को। हमने मिक्स कर दिया इसको अच्छे तरीके से। अब हम इस टाइम पे आके इसके नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको बीटर की मदद से इसको बीट कर लेंगे। ये देखेंगे, हमने अब इसको बीट कर लिया। बीट करके ये इस फॉर्म में आ गई है। आपने इसको इतना ठीक करना है कि इस तरह की ये ठीक हो। इसको बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला रखना है। बस ये दरमियानी फॉर्म जो होती है इसकी, इसको इस तरह रखना है। ये देखिए अब हमने इसको एक बाउल में डाल के इसकी गार्निश कर ली है। अब आप इसके ऊपर नींबू निचोड़ के और इसको रोटी के साथ या नान के साथ इंजॉय करें, और मैं भी इसको इंजॉय करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।